एवरीवन वेलकम टू सूत्रधर सर। सूत्रधर सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक देखिए, आज का टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड फील्ड्स। ठीक है, मतलब किस किस के फील्ड के लिए, क्या काम के लिए, कैसे कैसे प्राइज अवार्ड्स दिए जाते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है, एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन आंसर दे नहीं सकते, तो इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। देखिए ऊपर लिखा होगा नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, ऐसे करके अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, भारत रत्न, ऐसा बहुत सारा है। ठीक है, किस काम के लिए दिए जाते हैं वो लेकर आया हो। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने सूत्रधर सर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले दमदार तरीके से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें, और एक कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपके किसके ऊपर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला वाला क्या लिखा है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किसके लिए दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज दिए जाते हैं इसके लिए, पीस, शांति के लिए, मेडिसिन के ऊपर अगर आपने कुछ काम किया हो तो इसके लिए, लिटरेचर के ऊपर, साहित्य के ऊपर, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के ऊपर कुछ काम किया, इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ बेहतरीन काम किया, तो उसके ऊपर आपको क्या प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसके बाद पुलित्जर, पुलित्जर प्राइज किसके लिए दिया जाता है? दिया जाता है जर्नलिज्म के लिए। कब से शुरू हुआ था? 1917 से शुरू हुआ ये वाला, याद रखिएगा, पुलित्जर प्राइज जस्ट फॉर जर्नलिज्म। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एकेडमी, मतलब ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड किस कारण दिए जाते हैं? वह है फिल्म के कारण। फिल्म कब से शुरू हुआ है? 1929 से दिया जा रहा है ऑस्कर अवार्ड, फिल्म के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद कलिंगो अवार्ड, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जा चुके हैं बहुत बार, कि कलिंगो अवार्ड किसके लिए दिए जाते हैं? साइंस के वजह से, साइंस के लिए दिए जाते हैं। आपने ऐसा कुछ बेहतरीन काम किया साइंस की तरफ से तो आपको दिया जाएगा 1952 में। ठीक है, उसके बाद द मैन बुकर प्राइस, बुकर प्राइस ऐसा लग रहा है कि बुक लिखा होगा आपने तभी दिया जाएंगे, बिल्कुल ये लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं। कब से शुरू हुआ? 1969 से शुरू हुआ लिटरेचर के लिए। उसके बाद ग्रैमी, ग्रैमी बोलते हैं ना कि ग्रैमी ले आऊँगा, है ना, हनी सिंह के गानों में ग्रैमी अवार्ड के बारे में बोलता है भी रैप सॉन्ग पे, तो ग्रैमी मतलब म्यूज़िक के लिए दिए जाते हैं। कब से शुरू हुआ? 1958 से शुरू हुआ। देन उसके बाद देखिए रेमोन मैगसेसे अवार्ड, ठीक है, रेमोन मैगसेसे अवार्ड किसके लिए दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए, अपने ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट सर्विस किया, ठीक है, पब्लिक सर्विस किया तो उसके वजह से दिए जाएंगे। सोशल सर्विस के लिए दिए जाते हैं, जर्नलिज्म के लिए दिए जाते हैं, लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाते हैं, और ये लास्ट वाला कब से शुरू हुआ? 1957 से। ओके, चलो उसके बाद भारत रत्न, जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड में से एक है, सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, वो है किसके लिए? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, एक बेहतरीन भाग जब आप लेंगे किसमें, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, पब्लिक सर्विस में, तो आपको दिया जाएगा भारत रत्न। ठीक है, अभी सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है ना। उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया जाता है? फिल्म को, फिल्म में बेहतरीन एक्टर को, ठीक है, फ्रॉम 1969 से स्टार्ट हुआ ये वाला। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड किसके लिए दिए जाते हैं? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, शुरू हुआ था 1965 से। उसके बाद सरस्वती सम्मान, लग रहा है सरस्वती कुछ लिखने पढ़ने का चीज है ना, सरस्वती सम्मान लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं, शुरू हुआ था 1991 में। उसके बाद बचस्पति सम्मान, ठीक है, सम्मान ये किसके लिए दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं संस्कृत लिटरेचर के लिए 1992 में। अगर आपने संस्कृत लिटरेचर में बहुत ज़बरदस्त काम किया है, ऐसा कुछ बुक लिखा है संस्कृत में, तब आपको ये सम्मान दिए जाएंगे। उसके बाद शंकर अवार्ड, शंकर अवार्ड किसके लिए दिए जाते हैं? इंडियन फिलोसॉफी एंड कल्चरल आर्ट, इंडियन फिलोसॉफी या फिर कल्चर एंड आर्ट के ऊपर अगर आपका बेहतरीन हिस्सा है तो आपको दिए जाएंगे। उसके बाद ब्यास सम्मान, ब्यास सम्मान लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद कबीर सम्मान दिए जाते हैं सोशियो कॉमोनल हारमोनी के लिए, ठीक है, सोशियो कॉमोनल हारमोनी के लिए दिए जाते हैं। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कबीर सम्मान किसके लिए दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए, ऑप्शन ऐसा रहेगा कि इंडियन फिलोसॉफी के लिए, लिटरेचर के लिए, सोशल कॉमनल के लिए या फिर स्पोर्ट्स के लिए, तो आपके क्या करना है, सोशल कॉमनल हारमोनी के लिए। ओके, नेक्स्ट द्रोणाचार्य, मतलब टीचर, द्रोणाचार्य कौन थे? शिक्षक थे ना, गुरु थे, तो वही तो जो ट्रेनिंग देगा उसको ही तो दिए जाएंगे ना,
तो स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स जो कोचिंग कराता है उसको दिया जाता है, ट्रेनिंग जो देता है उसको दिया जाता है ना। कब से शुरू हुआ? 1985 से शुरू हुआ। उसके बाद अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड किसके लिए? स्पोर्ट्स, आप किसी भी स्पोर्ट्स से है आपको दिए जाएंगे, 1961 से शुरू हुआ। आफ्टर दैट देखिए भटनागर अवार्ड, भटनागर अवार्ड साइंस के लिए दिए जाते हैं, शुरू कब हुआ? 1957 से। उसके बाद धनवंतरी अवार्ड किसके लिए? मेडिकल साइंस के लिए दिए जाते हैं, कब से शुरू हुआ? 1971। याद रखिएगा बहुत सारा साइंस रिलेटेड है। उसके बाद बर्लोक अवार्ड, बर्लोक अवार्ड एग्रीकल्चर के लिए दिए जाते हैं, शुरुआत 1972 से एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। उसके बाद डॉक्टर बीसी रॉय चौधरी, बीसी रॉय अवार्ड, विधान चंद्र रॉय ऐसा कुछ था हाँ, जिसके वजह से हम डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं शायद 1 जुलाई को, है ना, अभी गया। तो डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड दिए जाते हैं किसके लिए? डॉक्टर डे जो कि सेलिब्रेट करता हो, तो मेडिकल के लिए, है ना, मेडिकल में काम किया आपने बेहतरीन, तो आपको ये अवार्ड दिए जाएंगे। उसके बाद सब्सक्राइब करना आपको कहाँ पर? सूत्रधर सर को। लाइक करना है किसको? सूत्रधर सर का चैनल को। बस इतना ज़बरदस्त वीडियो दोबारा देखिए, दोबारा नॉलेज कैरी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, सूत्रधर सर को। ऑल द बेस्ट।